एक मरहम और तीन ऑयल इस्तेमाल आप करते हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टाइम तक एंजॉय कर सकेंगे, अपने पार्टनर को खुश कर सकेंगे और अपने आप को भी अच्छा लगेगा। चलो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि जल्दी निकल जाना उसके लिए क्या उपचार है। जो घरेलू उपचार हो सकता है, किसी के पास में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गायकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है, जो आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिलता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन का भी मिल सकता है, इसमें लाइडोकेन 5% आता है। आप जाते हो और कोई भी केमिस्ट के पास में जाते हैं, बोलते हैं कि भाई नमनेस के लिए लोकल एनेस्थेटिक क्रीम दे दो या मलम दे दो, तो लाइडोकेन का आपको लाइडोकेन 5% आपको मिल जाएगा। और वो आप थोड़ा सा मलम लेते हैं और पूरा पेनिस को लगाते हैं, और सामने जो सुपारी जैसा पोर्शन है, ग्लांस पेनिस, उसको लगाते हैं 10 मिनट पहले, तो नमनेस काफ़ी आ जाएगा और आप लंबे समय तक एंजॉय कर सकेंगे। अब आती है बारी नंबर दो ऑयल की। तो क्लो ऑयल जो है, क्लो ऑयल लवंग तेल, उसमें यूजेनॉल रहता है कंटेंट, यूजेनॉल, और ये नंबिंग एजेंट करके हम वापर सकते हैं। तो क्लो ऑयल जो है वो बहुत ही कारगर है। क्लो ऑयल का पहले आप ऐसा कर सकते कि कहीं भी हाथ को लगा के देख सकते कि कोई झंझनी आ रही है क्या या कोई अंगार हो रही है क्या, और यदि कोई रिएक्शन नहीं है तो आपने 4 बूंद क्लो ऑयल लेना है, 1 चम्मच नारियल का तेल डालना है, कोकोनट ऑयल, और वो पूरे पेनिस को लगाने का है 10 मिनट पहले, और बाद में आप धो डाल सकते हैं। तो उसमें नंबिंग प्रॉपर्टी है और उससे आपको लंबे समय तक आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा, कर सकेंगे। तो पहले मैंने बताया लाइडोकेन, नंबर दो बताया मैंने क्लो ऑयल, नंबर तीन जो है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को भी नंबिंग प्रॉपर्टी है। एलोवेरा जेल मार्केट में मिलता है, मार्केट से आप ला सकते हैं, और प्योर लाना, कहीं मिक्सचर उसमें नहीं होना, अच्छे स्टैंडर्ड कंपनी का लाओ एलोवेरा जेल, और वो आप लगाते हैं 10 मिनट पहले, तो ये सूदिंग एजेंट भी है और बहुत अच्छा फ़ायदा आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन में मिलेगा। घर में लोगों के पौधे भी होते हैं एलोवेरा के, वो पौधे के पत्ते निकाल के उसमें का जेल निकाल लिया थोड़ा सा और वो लगा दिया तो भी चलता है, एकदम प्योर रहेगा। तो पौधे का भी लगा सकते हैं, रेडीमेड जो मार्केट में मिलता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो चौथा जो है वो है डीसेंसिटाइजिंग ऑयल्स। अभी डीसेंसिटाइजिंग ऑयल में आप पेपरमिंट ऑयल वापर सकते हैं, उसमें मेंथॉल रहता है, और टी ट्री ऑयल जो है वो भी वापर सकते हैं, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसको है। तो दोनों ऑयल के आपने 4-4 बूंद लेने के, ये मार्केट में मिल सकते हैं, दोनों ऑयल के 4-4 बूंद लेने के, 1 चम्मच प्योर नारियल तेल लगाने का है, उसमें मिक्स करने का है, और वो मिक्स करके पूरे लिंग को लगाने का है सामने से पीछे तक, और 10 मिनट पहले लगा देंगे तो आपको उसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे घरेलू कारगर उपचार है। उसमें आप वो तेल लगाने के बाद में आप धो डाल सकते हैं, धो के फिर आप सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। आपको इतना ही देखना है कि भाई आपको एलर्जी है क्या, तो कोई भी ऑयल लगाने के पहले अपने स्किन को लगा के देखना है थोड़ा 5-10 मिनट कि भाई एलर्जी तो नहीं है, और बाद में कुछ एलर्जी नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं आई, तो डेफिनेटली आप ये वापर सकते हैं। तो ये लाइडोकेन जेल, क्लो ऑयल नंबर दो, नंबर तीन एरोवेला जेल, और नंबर 4 डीसेंसिटाइजिंग ऑयल का मिक्सचर। ये चारों बहुत ही कारगर इलाज है, आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल है, पेट में कोई दवाई लेने के नहीं है, और इससे फ़ायदा हो सकता है। मगर इसके साथ साथ ये देखना है कि जल्दी निकल जाना ये जो प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या है। हो सकता है कि रिलेशनशिप इशू है, रिश्ता ठीक नहीं है, झगड़े झंझट हो रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है कि भाई मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, उसका डर है और उससे फिर जल्दी निकल जाता है, या फिर सेंसिटाइजिंग हो गया है पेनिस, बहुत सेंसिटिव हो गया है पेनिस और उसकी वजह से निकल जाता है, या उसको एक निकल जाने की आदत लग चुकी है बिकॉज ऑफ हस्तमैथुन, हस्तमैथुन की आदत है उसकी वजह से जल्दी निकल जाने की आदत हो चुकी है, या आप लंबे समय के बाद में कर रहे हो इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या न्यू पार्टनर के साथ में आप कर रहे हो, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई इसका रूट कॉज क्या है, वो आप निकालने की कोशिश करेंगे तो अच्छा ही है, और बाद में फिर ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लोग पूछते हैं कि कंडोम वापर सकते हैं क्या, बिल्कुल इसके ऊपर कंडोम वापर सकते हैं, और डीसेंसिटाइजिंग यदि कंडोम है, एनेस्थेटिक जेल वाला कंडोम, तो और अच्छा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, क्योंकि 100 में से 30 लोग नेचुरली ये प्रॉब्लम से परेशान है।
कि भाई उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तो होते रहता है, मगर परेशान है, हस्बैंड वाइफ में तकलीफ हो रही है, झंझट झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्स तक बारी आ रही है। ये बहुत ही साइलेंट किलर है, मतलब साइलेंट सेपरेटर हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों को, हस्बैंड वाइफ को सेपरेट कर देता है साइलेंटली, मालूम भी नहीं पड़ता है। तो इसका इलाज करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।